मैंने 100 गहना लेकर आया था ना आपकी लुगाई के वास्ते। राख, जब वो आए तो माथे पर चढ़ाए, और जब तू पूरा काबू में आ जावे तो वो बोलेगी कि सासु सुहाती नहीं मने, देवर देवरानी ननन भाती नहीं मने। अलग होना है मने, फिर उठा लेना अपना सामान, घर पर थूक कर चले जाना। भैया, क्या आपको सचमुच लगता है कि पेंडेंट देने की खुशी उस तकलीफ को कम कर देगी जो आप भाभी को दे रहे हो? मैं समझ रहा हूं, लेकिन कोई मुझे भी तो समझो। मेरा सपना है यूएस जाके जॉब करना, वहां जाके सेटल होना। मेरे लक ने मुझे एक मौका दिया है अपना सपना पूरा करने का, और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरा सपना अगर टूट गया तो मैं यहीं घुटघट कर मर जाऊंगा। मैं दर्जी से लहंगा लेके आती हूँ। क्यों कर रही हो? लाओ मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ। रहने दे, अबे हाथ पांव चाले है मारा। लोग बीनड़ी ई लिए लावे हैं कि सेवा करे, घर संभाले, वंश लावे, और जरूरत पड़े तो बैल की तरह काम करे, और जरूरत ना हो तो गाय की तरह चुपचाप खूंटे से बंधी रहे। रे हमारा भी जमाना हा? मोटियार लुगाई दिन में बात करता दिख जावे तो सासुमा इसे चिमटे की देती और कहती कि ये बेशर्मी हमारे घर में नहीं चलेगी। तो मैंने सही किया? मैं, तुम मेरे फैसले से सहमत तो हो ना? जी बिल्कुल। अरे संध्या बेटा, तुम्हारी पढ़ाई हो गई? पापा, ऐसे मूड में पढ़ाई कैसे होगी? बार बार भाभी का ही ख्याल आ रहा है। पापा, आप कहते हैं ना अगर कोई मुश्किल होती है तो उसका हल भी होगा ही। मैंने कुछ हल सोचा है पापा। वो भैया तो अपना फैसला बदलेंगे नहीं, तो हम भाभी को ही उनके साथ भेज देते हैं। पापा, वो मेरी पढ़ाई के लिए जो लोन लिया था उन पैसों को हम भैया को दे देते हैं भाभी के जाने का अरेंजमेंट करने के लिए। और बाकी रही बात मेरी पढ़ाई की, तो पापा मैं कोई छोटा मोटा जॉब कर लूंगी। खाना परोस दो। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? तारे टिमटिमाते होंगे आंखों में। नहीं, मुझे भूख नहीं है। सूरज सा, आप तो भाभो का गुस्सा जानते हैं ना? छींक की तरह है, आता जोर से है पर बाद में पता भी नहीं चलता, चला जाएगा। आप खुद को तकलीफ ना दो। हाँ, मैं क्या हाल कर लिया है खुद का, एक ही रात में 1.5-2 किलो पतले दिखने लग गए हैं। छवि। हाँ भैया। भाभो कहाँ है? मुझे क्या पता भैया, मैं तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। भाभो